अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग वेल. स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 5 इज़ अबाउट केमिकल रिएक्शन. और स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में हम केमिकल रिएक्शंस को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करें और उनके कम्बिनेशन के बाद एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. इसे हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होती हैं, वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. और इन सब्सटेंसेस के रिएक्शन के बाद, कम्बिनेशन के बाद जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास आती है, उसे हमने नाम दिया था प्रोडक्ट का. आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अवर एनवायरनमेंट एंड दोज रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज एडिशन रिएक्शंस एंड द सेकंड कैटेगरी इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडिशन रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करती हैं और उनके कम्बिनेशन के बाद एक सिंगल न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस. यानी हम दो अलग टाइप के एटम्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शंस. व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन कंपाउंड, देन द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लेती हूँ. सपोज मेरे पास तीन तरह के एटम्स हैं, ए, बी और सी, और मैंने इनको कंबाइन किया और कम्बिनेशन के बाद एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट सामने आई. तो ऐसा रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन है. इसी तरह यहाँ मैं दो डिफरेंट तरह के एटम्स ले रही हूँ और उन्हें आपस में कंबाइन करवाती हूँ. तो कम्बिनेशन के बाद आपको सिंगल एक कंबाइंड प्रोडक्ट नज़र आ रही है. तो ये रिएक्शन कौन सा है? एडिशन रिएक्शन है. स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. जैसे वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आप अपनी बुक पर देखें कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो इसने क्या बनाया? वाटर बनाया. इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जब आपस में रिएक्ट किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की. इसी तरह आयरन और सल्फर ने आपस में रिएक्ट किया तो आपके पास आयरन सल्फाइड बना. इसी तरह स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल में हम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. अब इन तमाम रिएक्शंस में अगर आप देखें तो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं दो, लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल सामने आ रही है. तो ये कौन से रिएक्शंस हैं? एडिशन रिएक्शंस हैं. स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. और सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. And decomposition reactions are totally opposite of addition reactions. Decompose का मतलब है break होना. यानी decomposition reactions में हमारी reactants break करती हैं, हमारे पास एक ही reactant होती है और वो break करके हमें दो या दो से ज़्यादा products देती हैं. अब reactant को break करने के लिए हमें कोई energy चाहिए होगी और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर
सिंपलर सब्सटेंसेस। आपकी बुक में इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डीकम्पोज और ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कुछ कंपाउंड्स को हम हीट करके एनर्जी देकर उन्हें ब्रेक कर सकते हैं और उनके ब्रेक करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ सिंपलर कंपाउंड या एलिमेंट्स सामने आएंगे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन की दो एग्जाम्पल्स बुक में डिस्कस की गई हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 55 को ओपन करें। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर इट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यानी यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट एक है, उसे हमने ब्रेक किया है, डीकम्पोज किया है बाय सप्लाइंग हीट, और ब्रेक होने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट्स सामने आई हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग पोटाशियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि आपके पास रिएक्टेंट एक है और इस रिएक्टेंट को आपने डीकम्पोज किया है, ब्रेक किया है बाय यूजिंग अ कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट के तौर पर आप मैगनीज डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट के तौर पर आपके पास दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है विच चेंजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन एंड विच रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन।